हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर RGPB यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक RGPB यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिसका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है बेटा, जिसे शॉर्ट में हम लोग EC ब्रांच भी कहते हैं, तो भैया EC ब्रांच के बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो बेटा, एक बात आप समझ लो, एकदम राइट टाइम है इस बात को समझने का। फर्स्ट ईयर आपने क्या करा? आपने केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, मैथ पढ़ा। जो आपने पढ़ा वो आपको भी पता है कि कोई मतलब का नहीं था। अब जाकर अगर असल मायने में देखा जाए तो सेकेंड ईयर से जो इंजीनियरिंग है ना बेटा, वो स्टार्ट हो रहा है। और इस बार का जो बैच है वो पूरा आड़ा टेढ़ा बैच है। पता नहीं क्या सोच लेकर इस बैच के बच्चे हैं। देखो, मैं किसी को सही नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इस बार का बैच वो कुछ ज़्यादा ही डेविएटेड है। ठीक है, इतना डेविएटेड बैच मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है, तो एक बात अपने दिमाग में आप डाल लो बेटा कि अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो तो नो डाउट, देखो एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे, RGPB का एग्ज़ाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्लास 9th-10th के बच्चों को भी मैं 30 क्वेश्चन रटवा दूंगा तो वो भी पास हो जाएंगे, तो कोई बड़ा तीर मारने वाला काम नहीं है। तो एग्जाम तो भैया पास हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। डिग्री आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डिग्री ले लो। अब तो खैर वैसे भी डिग्री आज के जमाने में लगभग 10 में से 8 लोगों के पास है, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी से अपना माइंडसेट ऐसा बना लो कि आपके पास अभी सेकेंड ईयर है, आपके पास अभी थर्ड ईयर है और आपके पास अभी फोर्थ ईयर है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, उसके बाद 1-2 साल का अगर आप गैप लेते हो ना, देखो अभी अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तैयारी अभी से शुरू हो गई आपकी, ठीक है, अभी आप सेकंड पढ़ो अच्छे से, थर्ड पढ़ो, फोर्थ पढ़ो, 1 साल का गैप लेकर अगर आप रिवीजन करते हो ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि देखो EC ब्रांच में गवर्नमेंट जॉब बहुत सारा निकलता है। अभी जितने मेट्रोज वगैरह बन रहे हैं उसमें EC ब्रांच का डिमांड होता है और आप आराम से किसी भी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि देखो कंपटीशन लगता है, होता कुछ नहीं। अब आप खुद सोचो ना कि 90% ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, भाई साहब उससे तो आपका कंपटीशन है ही नहीं, दूर दूर तक आपका कंपटीशन नहीं है वो। ठीक है, आपका कंपटीशन सिर्फ 10% लोगों के साथ है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना भैया, एक रूटीन बना लो, रूटीन से पढ़ो। जो भी सब्जेक्ट है बेटा देखो वो वैल्यू ऐड करता है, इस बात को आप समझना। जैसे मान लो कोई भी एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप जैसे थे, उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने के बाद आप वैसे नहीं रहोगे, आपकी जो वैल्यू है थोड़ा सा तो ऐड हो जाएगा। और आप खुद सोचो कि सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में कम से कम 25+ सब्जेक्ट है, अगर आप 25+ सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते हो तो आप में कितना वैल्यू ऐड होगा, इस बात को आप समझ लो। ठीक है, किसी का बुरा नहीं, किसी का अच्छा नहीं बेटा, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। कॉम्पिटिशन आप सभी को पता है ना, प्राइवेट कंपनीज घिस लेती हैं बच्चों को, नाच नचा देती हैं 10 से 12 हज़ार में, क्योंकि अगर आपके पास टैलेंट नहीं है बेटा तो आप यूज्ड ही होंगे, इस बात को आप समझ लो। अभी आपके पास समय है कि आप अच्छे से पढ़ो, बहुत कमियां है भाई साहब, यू आर नॉट अ परफेक्ट गाय, मुझ में भी कमियां है, सब में कमियां है, उस कमियों को दूर करना है। अभी कितने ऐसे बच्चे जिनको मैं एप्लीकेशन लिखने बोल दूंगा, नहीं लिख पाएंगे भाई। अगर मैं बोल दूंगा स्टेज में जाके अपने बारे में कुछ बोलो तो वो भी नाचने लगेंगे, बहुत सारी कमियां हैं ना। अभी हम लोग ढंग से इंग्लिश बोल पाते, किसी की राइटिंग खराब है, तो बहुत कमियां है भाई साहब। इन सब चीजों को अपन को दूर करना है। 3 साल का समय बहुत होता है, अगर 3 साल आप अच्छे मन से करोगे ना, लाइफ आपका सेट है। ठीक है, चलिए भैया, तो EC ब्रांच थोड़ा सा बैड लक ब्रांच हो गया। कैसे बैड लक ब्रांच हो गया बेटा, इस बात को आप समझना। मैंने BEE का ना लेक्चर लॉन्च करा था यूट्यूब पे कि यार चलो ये BEE वाली सर हैं, BEE वाले सर हैं, BEE वाली नहीं, BEE वाले सर हैं, ये अच्छे से चीजों को पढ़ाएंगे, तो आगे जाकर ये जो हमारे EE ब्रांच है, EC ब्रांच है, इसमें ये मेजर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अब बच्चों ने क्या करा,
ठीक है, बच्चों ने पढ़ना शुरू किया बी ट्रिपल ई को लास्ट मोमेंट में। ठीक है, अब अपना प्लान क्या था कि बच्चे पढ़ भी रहे, जो बच्चे जैसा कमेंट करते फिर सर को हम लोग वैसा इंप्रूव करवाते हैं। बच्चे भाई साहब पढ़े ही नहीं फ्री के नाम पे, एक दो बच्चा भी नहीं पढ़ा। तो फर्स्ट यूनिट तो सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, सेकंड में तो सर की गलती मैं नहीं दूंगा क्योंकि बच्चों ने इंप्रूव ही नहीं करवाया भाई साहब। पहला था सर का भी ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस, ठीक है हमने पैसे भी पे कर दिए लेकिन बच्चे पढ़े ही नहीं। बच्चे कब पढ़े, एग्जाम के टाइम पे, उसके बाद बोलते हैं सर ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा। तो ये जो पूरा प्लान था ना बेटा, ये एक तरह से फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना था। चलिए एक बैड लक तो ये हो गया, एक बैड लक ये हो गया। मैंने चला कि थोड़ा चलो थोड़ा सा डेंट में मैच्योर करूंगा, ये जो डिजिटल सिस्टम डिजाइन है ना इसको मैं पढ़ाऊंगा। अब भाई साहब सीएसई ब्रांच से इसका अलग सिलेबस है, सिर्फ एक यूनिट मैच कर रहा है। मैंने ये सोचा कि चलो यार कुछ नहीं, कम से कम एक सब्जेक्ट तो मैं पढ़ाऊंगा डिजिटल सिस्टम। तो पता चल रहा कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ इसका सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट ही मैच कर रहा है, उसके अलावा जितने बाकी यूनिट है बेटा वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो अभी भी मेरा खोज जारी है, लेकिन मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छा प्लान था ईसी के लिए मेरा प्लान था। हमेशा से मैं सोचता था कि नहीं यार ईसी वालों को भी मैं करवाऊंगा कुछ, लेकिन इस बार बैड लक बीट्रीपली वाले सर के साथ भी हो गया क्योंकि पहला एक्सपीरियंस ही खत्म हो गया ना। ऑनलाइन में दोबारा मौका नहीं मिलता, ऑनलाइन में ऐसे चलती चीजें, बच्चा सीधा चल रहा है, अगर एक लेक्चर भी खराब हुआ ना तो बच्चा फिर इसमें गिर गया, वो उठ के फिर आगे नहीं पढ़ने वाला। तो ऑनलाइन का जर्नी थोड़ा अलग टाइप का होता है। ठीक है, प्लान जो था वो फेल हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी मैं कोशिश में लगा हुआ हूं कि नहीं भैया कुछ ना कुछ हो जाए, कोई टीचर अच्छा मिल जाए तो अपन चीजों को स्टार्ट करवाएं। चलिए बेटा सबसे पहले तो मैथमेटिक्स 3 ये इसका क्लास आपको मिल जाएगा मेरे ऐप पर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूं। तो कम से कम M3 का क्लास आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स 3 का क्लास आप परचेस कर लेना, 31 अगस्त से पहले ऑफर है। अगर 31 अगस्त से पहले आप क्लास को परचेस करते हो तो आपको अच्छा खासा मिल जाएगा डिस्काउंट, ठीक है ना। चलो बेटा अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट का, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। देखो बेटा ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये क्या है बेटा आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। अगर आप इसको यूट्यूब में सर्च कर करके, अगर आप यूट्यूब में सर्च कर करके टॉपिक बाय टॉपिक इसे पढ़ोगे तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आराम से आप इसे कवर अप कर लो। और मैंने फिर से बोला बेटा कि अब आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है नॉलेज के लिए। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका अपना एक इंपॉर्टेंस है, इस बात को आप समझ लो। अगर आप अभी अच्छे से पढ़ोगे, पास आउट होने के बाद 1 साल रिविजन कर लोगे ना भाई साहब, अच्छी जगह पर आप प्लेसमेंट पा जाओगे। ठीक है, चलिए तो ये आपका थ्योरेटिकल है। देखो बेटा डिजिटल सिस्टम जो है ये आपका लॉजिकल है। मैं एक अटेम्प्ट और करूंगा कि कोशिश करूंगा कि अगर सीएसई का सब्जेक्ट पहले खत्म हो गया तो मैं इसको भी कवर अप करवा दूंगा, नहीं हो पाया तो लास्ट मोमेंट में इसका मैं क्रैश कोर्स कुछ भी कोशिश करूंगा करने का। लेकिन एक तरह से थोड़ा सा प्लान हमारा क्या हो गया बेटा, फ्लॉप हो गया, क्योंकि ये जो डिजिटल सिस्टम है ये आपके मेजर सब्जेक्ट में आता है। तो फिलहाल मैं आप सभी से यही बोलूंगा कि कॉलेज जाए, कॉलेज में जो डिजिटल के सर हैं उनके क्लासेस को आप अटेंड करें बेटा, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट है ना वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है ये भी आपका थ्योरेटिकल है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, इसको भी आप यूट्यूब से सर्च करके पढ़ोगे तो आप आराम से कवर अप कर लोगे। नेटवर्क एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, देखो दो सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ है। ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस अगर बी ट्रिपल वाले सर का सब कुछ सही रहता तो नेटवर्क एनालिसिस वो पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या ही बताऊं, कहानी तो खत्म हो गया है, देखता हूं फिर भी है ना बेटा। चलो अभी भी उम्मीद जिंदा है कि नेटवर्क एनालिसिस हो गया, डिजिटल सिस्टम एंड डिजाइन हो गया, लेकिन इतना मान लो कि 90% चांस नहीं का ही है और 10% चांस है कि हो सकता है इसका क्लास स्टार्ट हो। थोड़ा सा इसमें बैड लक हो गया, लेकिन ये वाला तो खैर बीट्रीपाली के साथ ही इसकी कहानी खत्म हो गई। क्योंकि देखो कभी भी कोई भी टीचर को अपन डायरेक्टली किसी सब्जेक्ट में लॉन्च नहीं कर सकते थे, तो अपना यही था कि यार बीट्रीपाली में अपन करें फिर उसके बाद आगे चीजों को देखें। देखता हूं फिर भी जो आपके लिए हो सकता है। तो ये आपको मेजरली फिलहाल यहाँ पे 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो ये तो आपका हो गया एकेडमिक। उसके अलावा बेटा देखो इसमें अभी आप ले लो तो आपको ये कोर्स 699 में मिल जाएगा 30 अगस्त तक। ठीक है, चलिए बेटा कोडिंग जर्नी हमारा नया चैनल है एजुकेशन पॉइंट कोडिंग, वहां से स्टार्ट हो रहा है।
तो एटलीस्ट कम से कम जो कोडिंग की चीजें, आप कम से कम एक कोडिंग वाले को अच्छे से पढ़ लेना, या तो इस बार आप C++ पढ़ लेना जो आपको सचिन पढ़ पढ़ाएंगे, या तो आप जावा पढ़ सकते हो, या तो कंप्लीट वेब डेवलपमेंट या पाइथन प्रोग्रामिंग, चारों में से कोई भी आप एक चूज करके आप इसे अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और देखो बेटा, जो भी डाउट होगा आप डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसको फ्री बैच की तरह नहीं, इसको आप एज आप पेड बैच की तरह ट्रीट करना, ठीक है। उसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास जो है वो जहांगीराबाद में स्टार्ट हो रहा है, तो जो बच्चे जहांगीराबाद के आसपास रहते हैं वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसमें आप ज्वाइन हो जाना। साथ ही साथ मैं आनंद नगर में भी प्लान कर रहा हूँ, अगर जहांगीराबाद में सब कुछ सही रहा तो आनंद नगर में भी मैं शुरू करूंगा, तो आप आनंद नगर वाले जितने बच्चे हैं वो भी इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, ताकि अपन को पता चले कि क्या रिस्पॉन्स है, फिर हम लोग उसी तरीके से काम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, है ना। इसको चेकआउट आप जरूर करना, ठीक है। अब क्या बोलूं यार, मेरा भी थोड़ा सा मोरल डाउन हो गया इसको लेकर, है ना, क्योंकि जब प्लान फ्लॉप होता है ना भाई, कहीं ना कहीं मूड ऑफ तो होता ही है, लेकिन क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका M3 का सिलेबस लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, डेमो लेक्चर्स का आप देख लेना, है ना। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अच्छा सब्जेक्ट है भाई, कोई चीज छोड़ना मत, अच्छे से पढ़ना ताकि आगे आपको काम आए। 5 यूनिट है इसमें, ठीक है। डिजिटल सिस्टम में सिर्फ पहला यूनिट मैच कर रहा, देखता हूँ मैं अगर सेकंड यूनिट भी मैच करेगा ना, तो 3 यूनिट का कम से कम कोर्स तो मैं करवा ही दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ के पास तो हो जाओ कम से कम, ठीक है। इसमें भी आपके 5 यूनिट है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ध्यान देना। आप फिर से बोल रहा हूँ, छोड़ना कुछ भी मत, भले मैं करवाऊँ ना करवाऊँ, लेकिन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। नेटवर्क एनालिसिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो बेटा, मैं करवाऊँ ना करवाऊँ, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए किसी एक इंसान से, कभी भी कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हाँ कोशिश मैं करूंगा। लेकिन आप लोग बेटा अच्छे मन से पढ़ना, यूट्यूब में बहुत ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाया है, बस आपका नियत होना चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छी नियत बनाओ, अच्छे से 3 साल मेहनत करो, 1 साल का गैप लोगे, मैं बता रहा हूँ आराम से गवर्नमेंट जॉब आप पा लोगे, ठीक है। चलिए तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।